एक दिन गोकुल में माँ यशोदा मथानी से मक्खन निकाल रही थी और उनके सामने बैठे थे नन्हे कान्हा। कृष्ण मन ही मन सोच रहे थे, जैसे ही माँ मक्खन बनाएंगी मुझे ढेर सारा खाने को मिलेगा। यशोदा मुस्कुरा रही थी क्योंकि वो जानती थी कि उनके लल्ला क्या सोच रहे हैं। तभी बाहर से आवाज आती है, आम ले लो, ताजे आम। दरवाजे पर एक फल वाली आई, उसके पास ताजे रसीले आम थे। आम देखकर कृष्ण की भूख और बढ़ गई। नंदराज ने फलवाली को बुलाया और अनाज की एक टोकरी लेकर बोले, क्या यह अनाज एक टोकरी आमों के लिए ठीक रहेगा? फलवाली ने खुशी से आम दे दिए, पर कृष्ण तो कुछ और सोच रहे थे। कृष्ण छोटे छोटे हाथों में अनाज भरकर फलवाली के पास दौड़े, अपनी मुट्ठी खोलते हुए बोले, मुझे भी कुछ आम चाहिए। फलवाली ने उनकी भोली सूरत देखी और हंसते हुए ढेर सारे रसीले आम कृष्ण को दे दिए। उसी पल नंदराज की अनाज की टोकरी सोने और रत्नों से भर गई। फलवाली हैरान थी, उसने समझ लिया कि वह साधारण बालक नहीं बल्कि भगवान के सामने खड़ी है। आम पाकर कृष्ण की खुशी का ठिकाना नहीं था, वो तुरंत भागते हुए अपनी मैया यशोदा के पास पहुंचे। उन्होंने आम अपनी मैया को दिखाते हुए कहा, मैया देखो मुझे आम मिले। यशोदा ने अपने लल्ला को गले लगा लिया और कान्हा की आंखों में वह मासूम खुशी चमक रही थी। फिर कृष्ण ने आम खाना शुरू किया। वो बड़े मजे से एक एक करके रसीले आम खाने लगे और यशोदा उन्हें बड़े प्यार से देखती रही।